हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। और आज के इस वीडियो से हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 जो है डायरेक्टिंग का, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हम थोड़ा मीनिंग और इंट्रोडक्शन देखेंगे, यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये सारे नोट्स जो आप देख रहे हैं ये पूनम गांधी की बुक से हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसको जाकर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखिए काफ़ी सारा लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो पहले क्लास में हम मीनिंग, फीचर्स और इम्पॉर्टेंस जो है ये तीनों देखेंगे। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बताने नहीं वाला, आप एक बार पॉज करके देख लीजिए कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग और इंट्रोडक्शन, मीनिंग जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ना मैनेजमेंट का, वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वो काम करें, अपने एफर्ट्स डालें और उससे अचीवमेंट हो जाए किस चीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन के गोल का। तो आप बेसिकली अगर सोचें तो इससे पहले जो भी फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ों में हम जनरली क्या कर रहे थे, चीज़ों को कैसे करना है, क्या सेटअप बनाना है, इन चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल काम जिससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें होंगी, वो काम चालू होता है डायरेक्टिंग से। तो डायरेक्टिंग का सीधा सा डेफिनेशन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। और यहाँ पर आपको चार चीज़ों को, चार वर्ड्स को याद रखने पड़ेंगे, जो कि है IGIM। ये शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए आप इसको IGIM भी बोल सकते हो, IGIM, यानी कि इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं उनके अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ थी, आपने स्टाफिंग कर ली, उनको ट्रेनिंग वगैरह दे दी, सारे जॉब पोजीशंस आपने फिलअप कर दिए एज़ पर द टैलेंट और जो एक्सपीरियंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं, इसके बाद आपको क्या करवाना है, उनसे काम करवाना है। तो काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स जो हैं, आप अपने आप को एक मैनेजर की तरह सोचो, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो पहला आई जो है वो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर चीज़ें कैसे होती हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। उसके बाद आपको गाइड करना पड़ेगा, तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिए और खुद जाके कोने में बैठ गए तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एम्प्लॉयज़ नए हैं या काफ़ी समय एम्प्लॉयज़ अगर पुराने भी हो जाए तो भी उनको रेगुलर गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो उसी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ आपको गाइड करते हुए देखती रहनी है। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको इंस्पायर भी करना है ताकि वो आगे भी अच्छा काम करता रहे, ठीक है। और कोई एम्प्लॉयी अगर उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, बाकी लोगों से थोड़ा पीछे रह जा रहा है, तो आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो अपना जी जान लगा दे और बाकी लोगों से समान या उनसे भी अच्छा कर गुजरने की जो है उसमें चाह हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में काम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉयज़ ही करते हैं और मैनेजर्स का काम होता है एम्प्लॉयज़ से काम निकलवाना, और इसी काम और ये एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स होते हैं उन्हीं से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो अचीव होते हैं, ओके। तो डायरेक्टिंग का यही एक सीधा सपाट मीनिंग है, ठीक है। तो यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पॉज करके इसको देख सकते हैं, ओके। अब डायरेक्टिंग का जो डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ ऐसे डेफिनेशंस आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, किसी एक ऑथर की डेफिनेशन को आप रट भी सकते हैं, एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। तो सबसे पहला फीचर क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्टिंग का फंक्शन से ही एक्शन जो है यानी कि काम जो है वो चालू होता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजर लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को, काम करने को कहते हैं, कैसे काम करना है ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके द्वारा ही काम जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को और आप चुपचाप बैठ गए। अभी हमने ये चीज़ कही है कि डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूअसली गाइड करना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज और मोटिवेट करते रहना पड़ेगा ताकि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो मेंटेन रहे और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक तरीके से अच्छे से काम करते रहें, ठीक है। उनके काम को हमेशा सुपरवाइज और उन पर नज़र रखनी पड़ेगी मैनेजर्स को, और उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू रखने पड़ेंगे।
तीसरा पॉइंट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। अब डायरेक्टिंग सिर्फ आप कहोगे कि लो लेवल मैनेजर्स जो हैं, जो अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उसी को डायरेक्शन देते हैं तो वही डायरेक्टिंग होता है, वैसा नहीं है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पे है। जो बिल्कुल अपर लेवल में है वो अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को डायरेक्शन दे रहा होता है, उसके नीचे जो है वो अपने नीचे लेवल के मैनेजर को डायरेक्शन दे रहा होता है, और सबसे लो लेवल में जो मैनेजर्स हैं वो अपने अंडर के एम्प्लॉयज़ और ऑपरेटर्स को डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग जो है वो होता है, ठीक है। यानी कि एक लाइन में अगर कहा जाए तो जहाँ भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है वहीं पर डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि हर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन दे के ही काम करवाता है, ठीक है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब डायरेक्टिंग जो है ये टॉप से बॉटम फ्लो करता है। ये कैसे? मान लो कि एक सुपीरियर है, वो हमेशा सबॉर्डिनेट के ऊपर रहता है और ये एक सबॉर्डिनेट है, तो सुपीरियर जो होता है वो हमेशा सबॉर्डिनेट के ऊपर होता है एज़ पर मैनेजमेंट हायरार्की। लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऊपर से लेके नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो सुपीरियर हमेशा सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन देता है, इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। पांचवा पॉइंट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब डायरेक्टिंग का फंक्शन ही ऐसा है जिसके कारण जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्टिंग को एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन कहा गया है। मेन मोटिव जो है डायरेक्टिंग फंक्शन का वो है एफिशिएंसी लाना परफॉर्मेंस में। अब काम तो कोई भी कर देगा, लेकिन काम को एफिशिएंटली करवाना ही एक मैनेजर का जो है वो उसका मोटिव होता है, और इसीलिए वो कंटिन्यूअस डायरेक्शन देते रहता है अपने अंडर जो भी होते हैं उनको, और उनसे वो रिपोर्टिंग करता रहता है, उनको मोटिवेट करता रहता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है, उनको गाइड करता रहता है, ताकि जैसे जैसे प्लानिंग हुई थी उसी तरह जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आए, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिससे प्लान्स को परफॉर्मेंस में बदला जाता है। प्लानिंग रूम में बैठ के तो मैनेजमेंट काफ़ी सारी कुछ प्लान कर लेती है, लेकिन उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस में बदलना बहुत बड़ा टास्क होता है, और इसको अचीव करने में डायरेक्शन फंक्शन का सबसे बड़ा हाथ होता है, ओके। छठा पॉइंट है ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड मॉड्यूलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी। अब क्या होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन में एक मैनेजर को ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना, तो हर अलग बंदे का एक अलग बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। कोई ज़्यादा गुस्सैल होता है, कोई ज़्यादा शांत होता है, कोई बहुत आलसी होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने वाला होता है, ठीक है। कोई रेकलेस होता है, कोई केयरलेस होता है, कोई बहुत ज़्यादा केयरफुल भी होता है। तो 50 लोगों को जब आप एक साथ लेकर काम करते हो तो आपको हर अलग अलग बंदे की बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, और उनको उसी हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस भी देनी पड़ेंगी, ताकि सब लोग एक साथ एक ही गति में एक ही दिशा में काम कर सकें, ओके। तो ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 50 लोगों का अगर खड़ा करके एक साथ एक जैसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए और फिर भूल गए तो काम नहीं बनने वाला है। आपको हर एक एम्प्लॉय पर ध्यान देना पड़ेगा, खास करके जिनके थोड़े से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सैल है या दूसरे लोगों से अच्छी तरीके से मिल के काम नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइप के लोगों को आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल भी करना पड़ेगा, ओके। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अब डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखना है। तो सबसे पहले इनिशिएट एक्शन। तो जैसा कि हम ऑलरेडी फीचर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को इनिशिएट करने के लिए, काम को इनिशिएट करने के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इसी फंक्शन के द्वारा एम्प्लॉयज़ को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और उसी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एम्प्लॉयज़ जो है वो एक्चुअल काम जो है वो करना चालू करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल जो है वो अचीव हो सकें। दूसरा पॉइंट है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट जॉब पोजिशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं और अलग अलग जॉब पोजिशंस पर काम कर रहे हैं, तो इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका टाइप ऑफ जॉब असाइंड भी अलग अलग है। लेकिन अगर आप सब लोगों को एक साथ देखो तो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक लय में काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि एग्जांपल मान लो, परचेज डिपार्टमेंट होता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको परचेज डिपार्टमेंट खरीदता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो उस समय रॉ मटेरियल का क्या स्टॉक है, कितना खरीदना है वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो होकर परचेज डिपार्टमेंट में जाती है। फिर परचेज डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स हैं वो लोग अपने अंदर के लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि अभी स्टॉक खरीदो, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अब शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि माल जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह से सब लोग एक
तरीके से अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो परचेज डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल अलग है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल अलग, लेकिन अगर ये दोनों तालमेल बना के नहीं चलें तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा ही तालमेल बना रहता है, वो कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर और परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेशन में रहते हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही वो अपने अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्शन देते हैं कि कब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, कब रॉ मटेरियल खरीदना है वगैरह वगैरह। तो उसी हिसाब से अगर आप सारे डिविजन्स को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबको जोड़ के देखोगे तो एक दूसरे के संपर्क में रहकर ही लोग एक साथ इकट्ठा काम कर पा रहे हैं और प्रॉपर डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा ही ये लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और उसी तरह इंस्ट्रक्शन फॉलो करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने की दिशा में लेके जाते हैं। ओके, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब डायरेक्टिंग में मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देते बल्कि मोटिवेट भी करते हैं। अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसको हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, उसको गाइड भी करते हैं कहीं अगर वो गलती करता है तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं किसी एम्प्लॉई का बेस्ट एफर्ट उससे निकलवाने के लिए। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डायरेक्टिंग फंक्शन से क्या होता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो कैसे? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं और जिनकी अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, लेकिन इन एटीट्यूड्स और परेशानियों के बीच में बैलेंस बना के रखने का काम डायरेक्टिंग कैसे करता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लो एक सेल्समैन है और सेल्समैन जो है वो बार बार मैनेजमेंट से बोल रहा है कि अगर हमको सेल्स की टारगेट बढ़ानी है तो हमको दाम कम करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल सकेंगे। लेकिन ऊपर जो मैनेजमेंट के हाई ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम प्राइस नहीं गिराना चाहते, इससे हमारी टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगी। तो डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो इस प्रॉब्लम में बैलेंस लाने के लिए कुछ ऐसे तरीके निकालने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश कर रहा है जिससे सेल्स पर्सन को बिना दाम गिराए हुए दूसरे मेथड से सेल्स इंक्रीज करने की जो है सहूलियत मिल सके। ठीक है, कभी कभी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी चाहिए होती है पर एम्प्लॉयर जो है उतना पैसा उनको दे नहीं पाते, तो उस समय एक डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन से आप इस डिफरेंस को भी फिलअप कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज़ को कह सकते हो कि ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए बोनस देंगे। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा और एम्प्लॉयज़ की जो ज़्यादा अर्निंग की डिमांड है वो भी फिलअप हो जाएगी। तो यही स्टेबिलिटी और बैलेंस लाता है ऑर्गेनाइजेशन में। टू फैसिलिटेट चेंज। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं, वो बहुत डायनेमिक है, बहुत तेज़ी से बदलता है और उसके हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक बार अगर किसी काम करने के तरीके में ढल गए तो चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बहुत हेजिटेट करते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने में। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू मैनेजर्स जो हैं वो अपने अंदर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो ये चेंज जो आया है ना, ये चेंज लॉन्ग रन में हमारे और आपके लिए दोनों के लिए बेटर होगा। आप चाहते नहीं हो चेंज को एक्सेप्ट करना, पर अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकोगे, आपकी काबिलियत जो है वो बढ़ जाएगी और प्लस आपको मार्केट में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई कंपनी अपने पूरे ऑपरेशन को कंप्यूटराइज करना चाहती है तो पहले एम्प्लॉयज़ जो है वो हेजिटेट करेंगे कि अरे भाई मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं, अभी इस उम्र में क्या सीखूँ, या बहुत लोग डरते होंगे कि कंप्यूटर में कहीं हमसे कोई गलती हो गया तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन से मैनेजमेंट उनको कह सकती है कि अगर आप कंप्यूटर सीख लो तो आप अपने आप को भी अपडेट करोगे और आपकी वैल्यू जो है मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रॉपर गाइडेंस से एम्प्लॉयज़ को आप मना सकते हो कि वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें चेंजेस को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मेरा गला बहुत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा खांसी और सर्दी हो चुकी है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।